हाई एवरी वन नमस्ते स्वागत है आप सभी का फिर से नए व्लॉग में तो आज है थर्सडे और सुबह के करीबन मैं उठ गई थी सवा छः के आसपास और यहाँ पे हल्का सा अंधेरा हल्का सा रोशनी जैसा रहता है वेदर उसके बाद फिर अपना मॉर्निंग रूटीन किया नहा धो के छत में आ गई थी और अपना ये प्लांट लेके धूप में रख दिया था मैंने और दो तीन पत्तियाँ इसकी ख़राब हो ही रही थी मैंने दिखाया था ब्लॉग में तो सुबह की हल्की धूप में रख देती हूँ एक आध घंटा उसको तो फिर नीचे आके फटाफट दिया बत्ती करी और यहाँ पे नाश्ता बनाते हैं मेरी गुड़ वाली चाय भी बनके तैयार हो गई थी जब हल्की सी गर्म रहती है ना मतलब हल्की ठंडी हल्की गर्म तो उस टाइप की चाय पीती हूँ मैं और नाश्ते के लिए आज मैं बना रही हूँ मेथी के ठेपले तो बहुत टाइम से बनाए नहीं थे शायद इंदौर में ही बनाया था उसके बाद यहाँ तो मैंने आकर बनाया नहीं तो अभी नया सीज़न आया है मेथी का तो फिर यहाँ पे मैंने आटा लिया है आटा उसमें डाला है बेसन दो चम्मच खूब सारी हरी मेथी डाली है जिसको मैंने रात को भी वॉश कर लिया था और दो तीन चम्मच मैंने इसमें डाला है दही हरा धनिया कट करके ऐड कर देंगे और काफ़ी सारे मसाले इसमें जो भी आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग डाल सकते हो मैंने लहसुन कूट के भी ऐड किया है हरा धनिया डाला है अजवाइन डाला है जीरा बाकी बेसिक मसाले हल्दी पाउडर धनिया पाउडर लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा सॉल्ट बस काफ़ी सारी चीज़ें पड़ती हैं थेपला बनाने के लिए लेकिन काफ़ी टेस्टी बनता है तो लास्ट में सॉल्ट डाल के सारी चीज़ें मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और बढ़िया सा डो बना के तैयार करेंगे इसको रेस्ट पे रखने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि ये ऑलरेडी सॉफ्ट होता है तो फटाफट से थेपले बनाना स्टार्ट करेंगे और ये थोड़े से पतले ही बनते हैं इसको बेलने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि ये चिपकता है तो इसलिए मैं ना आटा लगा के इसको बेलती हूँ और जितना पतला आप बना सकते हो उतना बना लीजिए ये मेरा थोड़ा सा चिपक रहा था तो इसलिए मैंने बहुत पतला तो नहीं किया लेकिन हाँ ठीक ठाक बन गया था और लेकिन खाने में काफ़ी सॉफ्ट रहते हैं अचार के साथ या फिर सिंपल चाय के साथ भी आप इसको नाश्ते में ले लो ये काफ़ी अच्छे लगते हैं ये नोनी को मैंने टिफ़िन में भी दिया था और बस इसके बाद फिर मैंने आज का पूरा दिन कुछ भी शूट नहीं किया मैं आपसे मिलूंगी इसके बाद सीधा नेक्स्ट डे में मतलब कि फ़्राइडे में तो आज हो गया फ्राइडे और आज भी मैं मॉर्निंग से ही स्टार्ट कर रही हूँ सुबह की चाय के साथ क्योंकि ना घर के इतने सारे काम हो जाते हैं अपना यूट्यूब का भी बहुत सारा काम का बर्डन हो जाता है सारी चीज़ें अकेले मैनेज करना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है हेक्टिक हो जाता है बॉडी को भी माइंड को भी थोड़ा रेस्ट चाहिए होता है तो इसलिए जब बहुत ज़्यादा थकावट फील करती हूँ ना मैं तो रेस्ट ले, ले लेती हूँ व्लॉग वगैरह नहीं बनाती हूँ फिर मैं थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स करना भी बहुत ज़रूरी होता है नहीं तो बहुत ज़्यादा एक्सरसन हो जाता है तो आज के नाश्ते में बन रहा है इडली पोहा तो मैं सूजी की इडली बनाऊँगी सबसे पहले तो यहाँ पे मेरी चाय भी बन गई थी इसको थोड़ा सा मैं ठंडा करूँगी उसके बाद पीऊँगी और उससे पहले इडली बनाने के लिए जो उसका बैटर है वो तैयार करेंगे उसमें तड़का डालूँगी मैं ऑयल गरम करके मैंने डाला है राई और कड़ी पत्ता तो बस ये अगर आप चाहो तो हरी मिर्च भी डाल दो राई कड़ी पत्ता डाल दिया है इडली और दही का बैटर मैंने अच्छे से मिक्स किया ऊपर से पानी डाल दिया इसको मिक्स करेंगे और फर्मेंट करने के लिए मैं इनो का यूज़ कर रही हूँ तो करीबन वन टीस्पून मैं इसमें इनो ऐड करूँगी और इनो डालने के बाद थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर देंगे और बस इसको रेस्ट पे नहीं रखना है इसको मैं तुरंत स्टीम होने के लिए रख दूँगी तो उसी तरफ मैंने पानी भी गर्म होने के लिए रख दिया था अपना जो स्टीमर है मैं उसमें ही इडली बनाऊंगी और इडली प्लेट्स मेरे पास रखी हुई है तो सारे मोल्ड्स मैंने अच्छे से ऑयल लगा के रख लिए थे उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा ना मुझे लग रहा है बैटर में पानी ज़्यादा हो गया था लेकिन इडली काफ़ी अच्छी बनी थी तो फटाफट से इडली का बैटर मैं सारे मोल्ड्स में डाल दूँगी उसके बाद भी थोड़ा सा बैटर रह गया था तो इनको मैं स्टीम करूँगी यहाँ पर पानी बॉयल होना स्टार्ट हो गया था तो स्टीमर को मैं ना ऊपर से जो दूसरा आता है जिसमें मैं मोमोज रखती हूँ ये मेरा मोमो मेकर स्टीमर है तो ऊपर से वही कवर कर दूंगी और काफ़ी अच्छे से इडली मेरी स्टीम भी हो गई थी और यहाँ पर मेरी चाय मलाई लग गई है इसमें गुड मॉर्निंग टू वन ऑफ यू सुबह के बज रहे हैं आठ और आज हो गया है फ्राइडे कल मैंने कोई ब्लॉग नहीं किया कल थोड़ा सा लेजीनेस आ रही थी और मन भी नहीं कर रहा था एक दिन रेस्ट ले लिया मैंने बीच में और आज फ्राइडे से दोबारा शुरू करेंगे तो व्लॉगिंग से मैं बहुत ज़्यादा दिन दूर नहीं रह सकती हूँ तो इसलिए ना एक दिन छोड़ के मतलब बीच में एक एक दिन का गैप ले लेती हूँ कभी कभी मैं तो आज मैं दिखाती हूँ उन्होंने इतनी जल्दी उठ गया था ये करीबन साढ़े सात बजे से उठा हुआ है और उसको मैंने दूध बना के दे दिया था दूध पी लिया है अभी टीवी लगाई हुई है ताकि मैं काम कर सकूँ एटलीस्ट क्योंकि मैं जैसे नहा के आई पूजा करने लगी वैसे उन्होंने उठ गया फिर आज हस्बैंड भी घर पे नहीं है ना इस वजह से फिर प्रॉब्लम हो जाती है और सुबह सुबह इतना ज्यादा भाग दौड़ होती है कभी कभी मन भी नहीं करता है शूट करने का क्योंकि मतलब भाग भाग के काम करना पड़ता है ऐसा हो जाता है तो जल्दी कितना भी जल्दी उठो ना काम बहुत हो ही जाते हैं अभी वो राइम्स टीवी देखते देखते गाने भी गा रहे हो राइम्स तो चलिए मैं चाय पीती हूँ उसके बाद बहुत सारे काम करने हैं पूरा दिन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी बहुत सारे काम निपटाने हैं उससे पहले फिर नोनी को स्कूल भी ड्रॉप करके आना है आज मुझे पहाड़ी नमक भी बनाना है तो डब्बा खाली हो गया है इसमें बनाऊंगी मैं हसबैंड गए हुए हैं हल्द्वानी तो हल्द्वानी से मैंने बोला है माल्टे लेके आना वहाँ पहाड़ी फल सब्जियाँ तो आती ही हैं तो अगर मिलेंगे तो वहाँ से माल्टे ले आएंगे और माल्टे के साथ में नमक पहाड़ी बहुत टेस्टी लगता है गरू, 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 गरू। गरू। तो किचन में थोड़ी बहुत तैयारी करके फिर नोने को मैं फ्रेशन अप कराऊंगी क्योंकि जिस दिन हस्बैंड घर पे नहीं होते हैं ये सारी ड्यूटीज मेरी होती है हो, और अकेले ये सब करना बहुत मुश्किल होता है तो एक माँ की लाइफ में जब बच्चा स्कूल जाने वाला होता है ना तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल शुरू हो जाता है वैसे स्ट्रगल पहले से ही रहता है ऐसा नहीं है कि पहले काफ़ी आराम वाले दिन थे पहले मुझे लगता और ज़्यादा स्ट्रगल था क्योंकि नोनी छोटा था समझदार नहीं था और जब नोनी एक सवा साल का हुआ था उसके बाद से फिर मैंने इसको अकेले ही देखना स्टार्ट किया क्योंकि हस्बैंड इधर उधर जाते रहते थे तो फिर मैंने अकेले ही देखा कोई देखने वाला नहीं होता था नोनी के साथ घर के काम यूट्यूब बहुत सारी चीज़ें मैनेज करना और कई बार बहुत सारी चीज़ें लाइफ में स्ट्रेस ऑलरेडी चल रहा होता है तो ये सारी सिचुएशन सिचुएशन जो है मैं फेस कर चुकी हूँ और आ, मतलब अकेले माँ और बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है एज अ मॉम अगर आप अकेले बच्चे को देखते हो तो आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि वो फीलिंग क्या रहती है क्या स्ट्रेस रहता है बहुत ज़्यादा हाई लेवल स्ट्रेस फ्रस्ट्रेशन बहुत सारी मिक्सड फीलिंग रहती है लेकिन बच्चे का हंसता मुस्कुराता चेहरा आप देखते हो ना तो फिर सारी टेंशन सारा स्ट्रेस दूर भी हो जाता है तो बस ये सारी चीज़ें हिम्मत देती हैं आगे काम करने के लिए फ़िलहाल अभी नोनी थोड़ा सा बड़ा हो गया है समझदार हो गया तो एक जगह बैठ जाता है अभी तो मुझे कौन ही चाहिए फ़िलहाल जिस टाइम पे ज़रूरत होती है ना उस टाइम पे कोई नहीं होता बस सारा खुद ही करना होता है अकेले और यही सारी चीज़ें हिम्मत भी देती हैं तो बस नोनी को तैयार करके फिर मैंने पोछा लगा दिया था सब जगह और अभी करीबन सवा नौ बज गए हैं तो फटाफट से यहाँ पे इडली निकाल लेंगे ठंडी हो गई थी इसके बाद इडली पोहा बनाऊँगी क्योंकि वैसे आप चाहो तो इडली के साथ चटनी वगैरह खा लो बहुत टेस्टी लगती है काफ़ी अच्छी इडली बनी थी लेकिन मैं इसका पोहा बनाने वाली हूँ नोनी को पोहा पसंद है और उसके टिफिन में भी मैं पोहा दूँगी तो फिर यहाँ पर मैंने थोड़ी सी मूँगफली फ्राई करके निकाल ली है थोड़ा सा कड़ी पत्ता राई जीरा ये बस ये तीन चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं तड़के में थोड़ा सा प्याज और बस ऊपर से मसाले डालने के बाद फिर मैं डालूंगी जो इडली है उनको छोटे छोटे पीसेस में मैंने कट कर लिया था और ये काफ़ी टेस्टी लगती है दो तीन तरह से आप इसको बना सकते हो और बहुत अच्छा टेस्ट आता है नोनी को ये काफ़ी पसंद आई थी उसको मैंने टिफ़िन में भी दिया था और उसने पूरा फिनिश किया था ऊपर से हरा धनिया डाल के फिर मैं इसको गार्निश कर लूँगी तो यहाँ पे मेरा नाश्ता बन गया है इडली पोहा काफ़ी टेस्टी हो रहा था और इसके साथ में मैंने बनाई थी अपने लिए चाय और उन्होंने को ऐसे ही थोड़ा सा मैंने पोहा खिला दिया था उसको पसंद आया ऊपर से मैंने थोड़ा सा नींबू डाल के उसको स्कूल के लिए भी पैक करके दे दिया था तो यहाँ पर बोटल में भी मैं उसको हल्का गुनगुना पानी देती हूँ क्योंकि आजकल फ़िल्टर का पानी भी ना इतना ठंडा रहता है तो इसलिए मैं हल्का गुनगुना पानी उसको पैक करके देती हूँ और उन्होंने कह रहा था बैग के अंदर मत डालो बोटल साइड में लगाओ और उसके बाद नोनिका हेयर ऑयलिंग नहीं किया था हेयर ऑयलिंग रह गया था कपड़े भी अच्छे से ठीक ठाक करूँगी इतना ज़्यादा भागना पड़ता है नोनी के पीछे उसको तैयार करने के चक्कर में सुबह के टाइम तो बस इतनी भाग दौड़ हुई रहती है घर के काम भी देखने होते हैं साथ में नोनी को भी रेडी करना होता है स्कूल के लिए और उसके लिए फिर मैंने टीवी लगा दी थी अभी उसको स्कूल ड्रॉप करने में टाइम था तो उसके बाद मैं यहाँ पे स्कूल ड्रॉप करने से पहले सारे बर्तन वॉश कर दूँगी क्योंकि सुबह इतने सारे बर्तन हो जाते हैं और फिर बहुत देर तक जूठे बर्तन रखना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता तो मैं सबसे पहले बर्तन ही वॉश करूँगी और यहाँ पे नौनी आ गया था उसका चैनल चेंज करना था वो कई कई बार ना बहुत परेशान कर देता है बस बर्तन वॉश हो चुके थे और यहाँ पे नोनी के स्कूल का टाइम हो गया था तो मैं नोनी को फटाफट से ड्रॉप करके आ जाऊंगी स्कूटी में तो अब जो है मैं प्रैक्टिस हो गई है मुझे स्कूटी की तो मैं जहाँ भी जाती हूँ नोनी को स्कूटी में लेके जाती हूँ उसके स्कूल ड्रॉप करना और लेके आना क्योंकि ना टाइम बचता है और घर के काम भी देखने होते हैं साथ में तो इस वजह से फिर मैं स्कूटी ही लेके जाती हूँ फिर नॉनी को स्कूल ड्रॉप किया और अभी करीबन सवा दस बज रहे हैं मैं स्कूल ड्रॉप करने के बाद शॉप में गई थी डेयरी में और वहाँ से लेके आई थोड़ा सा पनीर तो मटर पनीर बनाने का बड़ा मन हो रहा था तो मैं पनीर थोड़ा सा पैक करके आई एकदम तो फ्रेश मिलता है आजकल मैं पैकेट वाला पनीर बहुत कम लाती हूँ तो बस यहाँ पे अब किचन की सफाई शुरू कर देंगे मैंने बर्तन तो वॉश कर दिए थे लेकिन कुक टॉप और स्टोव में क्लीन करके नहीं गई थी टाइम नहीं हो पाया था इतना किसान हस्बैंड घर पे होते हैं तो उन्होंने को तैयार करना उसको स्कूल ड्रॉप करना ये सारी चीज़ें वही कर लेते हैं तो मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है और मेरे घर के काम भी आसान हो जाते हैं और जल्दी हो जाते हैं लेकिन जब अकेले कर रही होती हूँ तो टाइम भी लगता है और मतलब पूरा टाइम मेरा काम में ही निकल जाता है और बहुत ज़्यादा भाग दौड़ भी रहती है एनी वे इस करना तो पड़ता ही है सारी सिचुएशन हैंडल करनी पड़ती है अकेले तो यहाँ पे कुक टॉप और स्टोव क्लीन कर लूँगी गीले कपड़े से अच्छे से और फाइनली अब जाके मेरा किचन जो है क्लीन हो पाया हार्डली टेन टू फिफ्टीन मिनट्स लगे सारी चीज़ें क्लीन करने में और यहाँ पे अब मेरा किचन एकदम साफ सुथरा हो गया है और साथ ही दूध भी बॉईल हो गया था और जो धुले हुए बर्तन हैं वो रख दिए थे मैंने धूप में सीढ़ी में हल्की धूप है अभी धूप आएगी थोड़ी देर में वहाँ पे तो वहाँ पे रखने से ना बर्तन जल्दी सूख जाते हैं धूप की गर्माहट से तो मैं फिर लंच बनाने तक सारे बर्तन सूख जाते हैं फिर मैं रख देती हूँ फ़टाफट इसके बाद मेरे पास थोड़ा सा टाइम था अब मैं आ गई हूँ अंदर और ये जो क्लोथ ऑर्गेनाइज़र है इनमें मैं सारे कपड़े पैक करके रखूँगी हस्बैंड के जो समर वेयर्स हैं क्योंकि वो समर वेयर्स अभी पहन ही रहे थे और उनके सारे विंटर विंटरवेयर्स निकले नहीं थे तो इसलिए उनके जितने भी विंटर विंटरवेयर्स हैं सब मैंने बाहर निकाल दिए और गर्मी के सारे कपड़े अब मैं पैक करके बेड बॉक्स के अंदर रखने वाली हूँ क्योंकि ये काम हस्बैंड कभी भी नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मतलब ना इन चीज़ों में बहुत लेज़ी हैं और कई बार ऐसा लगता भी है वो अपने काम इस तरह के काम करना पसंद नहीं करते शायद सबके हस्बैंड ऐसे ही करते होंगे मैं मोस्टली तो फिर कपड़ों के बीच में मैं रख रही हूँ सूखे हुए नीम के पत्ते इससे ना आपको नेपथेलिन बॉल्स वगैरह रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि कपड़ों में सीलन की बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती है कीड़े वगैरह कीड़े वगैरह पड़ने का भी डर नहीं होता है कपड़े एकदम साफ सुथरे और बिना सीलन के रहते हैं तो बेड बॉक्स में रख दिए थे कपड़े और वहाँ से मैंने एक छोटा सा डोर मैट निकाल लिया था तो इसको मैंने किचन में बिछाया एक बजने वाले दोपहर के नोनी आ गया स्कूल से और अब मैं उसको लंच कराती हूँ तो एकदम सिंपल सा मसूर दाल और मूंग दाल मिक्स करके बनाया मैंने और चावल बन गए हैं लंच कराते हैं उसके बाद में मुझे आज पहाड़ी नमक भी बनाना है तो उसके लिए मैंने हरा धनिया धो के अच्छे से रखा है उसमें मिलाऊंगी हरी मिर्च थोड़ी सी सूखी लाल मिर्च और रेसिपी मैंने पहले भी शेयर की हुई है और आज भी मैं शेयर कर दूंगी काफ़ी टेस्टी होता है आप ट्राई ज़रूर करना और पहाड़ी नमक को आप सैलेड के साथ या फिर अभी संतरे का सीजन चल रहा है तो मतलब किसी भी फ्रूट में अमरूद वगैरह आप खाते हो पपाया खाते हो उसमें लगा के खाओ इतना टेस्टी होता है तो हमारे पहाड़ों में तो यही सब खाया जाता है तो चलिए अब जो फटाफट से लंच कराती हूँ नॉमी को और आजकल इतनी तेज धूप हो रही है ना सुबह कोहरा भी नहीं लग रहा है और धूप भी बहुत तेज हो रही है जैसे एकदम गर्मियों वाली धूप है लेकिन धूप बैठ नहीं सकते और मुझे तो वैसे भी मौका नहीं मिलता है धूप में बैठने का तो इसीलिए दिक्कत होती है यहाँ पे ना धूप में हम लोग बैठ नहीं सकते और अंदर भी नहीं आते हैं तो लंच करने के बाद यहाँ पे पहाड़ी नमक बनाते हैं तो सबसे पहले जो भी धनिया वॉश करके मैंने रखा था वो इसमें डाल देंगे और मैं ऐड कर रही हूँ ऊपर से जीरा सूखी हुई लाल मिर्च तीन से चार ले लिए मैंने इनसे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है और स्पाइसी भी बनता है और साथ में ही मैं दो हरी मिर्च भी डाल रही हूँ हरी मिर्ची वाली बहुत तेज़ होती है तो इसलिए मैं सिर्फ दो डाल रही हूँ ऊपर से मैं डाल दूँगी काफ़ी सारा नमक करीबन छः से सात चम्मच मैंने सॉल्ट ऐड किया था और बस थोड़ा सा सूखा ही बनाना है इसलिए इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना कि धनिया गीला नहीं होना चाहिए सारा पानी ड्रेन आउट होना चाहिए उसका इससे बस नमक जो है सूखा सा बनता है और अच्छा बनता है तो बस मैंने पहाड़ी नमक बना के तैयार कर लिया और अभी नोनी भी सो के उठ गया है शाम के पाँच बज गए हैं और मैं नोनी के लिए बना हुई पोहा इसको पोहा खाने का मन हो रहा है सुबह का जो ये पोहा बनाया है ना इडली पोहा वो बचा हुआ है तो नोनी नहीं खा रहा है मुझे तो बहुत अच्छा लगता है इडली पोहा बहुत टाइम के बाद बनाया आज मैंने एक तरफ मैंने चाय चढ़ाई और उन्होंने के लिए मैं थोड़ा सा पोहा बना देती हूँ और उसने दिन में खाना भी अच्छे से नहीं खाया इसको ना दाल चावल कम पसंद आता है इस वजह से को पोहा बना के खिलाया और अपने लिए मैंने चाय बनाई थी थोड़े बहुत बर्तन थे वो मैंने वॉश किए और नोनी का जो ये पाउडर है दूध में डालने वाला ये ख़त्म हो गया था तो दो दिन पहले ही आया था और बाहर से पैकेट गंदा लग रहा था तो मैंने अच्छे से पोच लिया और इसको मैं डब्बे में खाली कर दूंगी तो बड़ा पैक मंगवा मंग्वालिटी में एक डेढ़ महीना आराम से चल जाता है अभी बज गया साढ़े छः और नोनी और मैंने स्टीम ली अभी और इस बार पता नहीं कोल्ड क्या हो गया मेरा कोल्ड इतने दिन हो गए ठीक ही नहीं हो रहा पूरा वन वीक होने वाला है कोल्ड अभी तक अच्छे से ठीक नहीं हुआ है तो फिर मैंने स्टीम लिया भी और रात को मुझे भी अपना वा, मसाज ऑयल वाला रेमेडी करना पड़ेगा पैरों में गर्म ऑयल लगाऊंगी रात को सोते टाइम और कुछ कपड़े यहाँ पे रखे हैं मैंने फोल्ड करने वाले वो र, वो है नोने के थर्मल सेट देहरादून में लिए थे हमने अब ना छोटे होने लगे हैं सिर्फ इसके पास एक पैजामा ऐसा है जो कि इसके करेक्ट साइज का है बाकी सारे थर्मल इसके छोटे हो गए अपर तो हमने पिछले साल भोपाल में लिए थे मतलब भोपाल से लिए थे तो वो ठीक है लोअर वाले जो थर्मल होते हैं पजामिया वो छोटी हो गई है तो इसका एक सेट मैंने ऑनलाइन भी मंगाया है दी बन रही है आटा बोध दिया है अब दो को होमवर्क कराती हूँ मैं और उसके बाद जो है आराम से ही डिनर करेंगे मतलब साढ़े सात आठ बजे के आस पास अभी तो साढ़े छह ही हो रहा है साढ़े छह बजे भी ऐसा लगता है कितना अंधेरा हो गया तो बहुत अंधेरा हो रहा है बाहर और चलिए फटाफट से नोने को होमवर्क कराती हूँ और एक चीज और दिखाती हूँ आपको जो प्लांट है ना इसकी दो पत्तियां और खराब हो गई तो दोनों पत्तियां मैंने कट करके हटा दी मतलब टोटल चार पत्तियां इसकी खराब हो चुकी हैं और अब सिर्फ दो बची हुई है तो मुझे डर ये लग रहा है ये खराब ना हो जाए वैसे अब इसकी मिट्टी सूख गई है क्योंकि ना क्या हुआ बीच में हमने पानी आई थिंक ज्यादा डाल दिया था इसकी मिट्टी गीली हो गई थी और हमने धूप में रखा नहीं इस वजह से पत्तियां इसकी खराब होने लगी तो अब मैं इसको डेली सुबह जब हल्की वाली धूप रहती है एक डेढ़ घंटा ऊपर छत में रख देती हूँ तो क्योंकि सामने में तो आती नहीं है ना हल्की सुबह वाली धूप तो इसलिए ऊपर छत में रखना पड़ता है अभी देखती हूँ कैसा करता है ग्रो करता है या नहीं करता है बाकी फिर देखेंगे कैसा रहेगा इसका होमवर्क टाइम है आज उसकी मैम ने कलर करने को बोला है रेड येलो ब्लैक ऑरेंज ब्लू ग्रीन ठीक है अब नोनी कलर रिकॉग्नाइज करेगा येलो चलो यहाँ पे भी करना है रेड कलर निकालो यहाँ पे करना है रेड कलर विच इज रेड कलर नोनी रेड कलर निकालो, निकालो। गुड चलो करो यहाँ पे तो यहाँ पे इनोन्हीं को होमवर्क में करने थे कलर लेकिन इन्होंने को ड्राइंग करना या कलर करना बिल्कुल पसंद नहीं है और इन सारी चीज़ों में वो इंटरेस्टेड नहीं रहता है तो बहुत मुश्किल से उसका हाथ पकड़ के मैंने उसका होमवर्क कराया और बस इसके बाद मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया खाना बनाया और किचन के सारे काम निपटा के हम चले गए थे सोने के लिए तो बस इसी के साथ आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा मैं मिलती हूँ आपसे नए ब्लॉग के साथ अब तक के लिए बाय बाय